फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज उपासना। सो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? सभी लोग आई होप सब अच्छे होंगे। तो ये एक फ्रेश वीडियो, तो ये जो वीडियो होने वाली है रक्षाबंधन की वीडियो होने वाली है। तो रक्षाबंधन के लिए आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। तो ये जो वीडियो मैं अभी करने जा रही हूँ, ये एक प्री रक्षाबंधन की वीडियो होगी। और रक्षाबंधन के दिन एक्चुअली मैं घर पर नहीं रहूँगी, तो मैं बैंगलोर चली जाऊँगी। तो ये जो वीडियो आप देखेंगे रक्षाबंधन के दिन ही देख पा रहे होंगे, तो इसीलिए मैं अभी घर पे हूँ। तो सोची कि भैया को थोड़ी सी मैं राखी बना लूँ, क्योंकि मैं कभी तो अभी अवेलेबल नहीं रहती हूँ रक्षाबंधन के दिन घर पे। तो मीन्स दो या तीन साल के बिफोर में एक राखी बांधी थी, तो अब जाके थोड़ी सी ऐसे मीन्स स्कोप मिली है मुझे उसको बांधने के लिए। रक्षाबंधन तो आगे है, तो अभी मैं उसको प्री रक्षाबंधन उसको करके मैं उसको बांध के जाऊँगी। तो इसे मन किया, तो मैं तो रक्षाबंधन के लिए थाली वगैरह सजाती हूँ, वो भी आपको दिखाऊंगी कैसे क्या राखी के जो थाली है वो भी सजाई हूँ और कैसे क्या सेलिब्रेट की हूँ वो भी दिखाऊंगी। तो आपको कैसी लगी है ब्लॉग मुझे एक लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताना। और बैंगलोर में मैं रक्षाबंधन कुछ मीन्स सेलिब्रेट करूँ या ना करूँ, अगर करूँगी तो उसी का कुछ कुछ क्लिप इसी ब्लॉग में आपको देखने के लिए मिलेगी। तो चलिए कैसे क्या रक्षाबंधन में सेलिब्रेट करूँगी इसी ब्लॉग को आपको देखने के लिए मिलेगी। तो चलिए चलते हैं और ब्लॉग को एंजॉय कीजिए। कैसी लग रही है एक लाइक एंड कमेंट कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबा दीजिए और आपके फ्रेंड एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी ये देखिए मैं एक थाली ले चुकी हूँ। तो इसी थाली में मैं पूरी अभी थाली सजाऊंगी रक्षाबंधन के लिए, मीन्स राखी बनाने के लिए जो जो चीज़ें हमको चाहिए। तो मैं एक जो पैकेट लाई थी उसमें से मुझे सारा कुछ मिल गई थी, ऐसे जो चावल होती है, चंदन होती है, सिंदूर होती है, सारा कुछ मुझे इसी मीन्स पैकेट में मिल गई थी। तो ये मैं अभी रखूँगी, तो साथ में और क्या क्या रखूँगी वो भी दिखाऊँगी। तो ये जो राखी मैं कहाँ से लाई हूँ उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखूँगी। तो ये जो मुझे मिली है, तो आप देख पा रहे होंगे इंस्टाग्राम पे, आप देख चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सारे खोल के यहाँ पे जो चावल, सिंदूर और चंदन थोड़ी सी रख चुकी हूँ। तो उसके बाद मैं क्या क्या रखती हूँ वो भी दिखाऊँगी। तो यहाँ पर एक दिया तो जो चाहिए, तो दिया यहाँ पर रख रही हूँ थाली में। तो जो राखी मैं मंगवाई थी उसमें से एक राखी का एक ग्रीटिंग कार्ड भी मुझे मिली थी, तो वो भी मैं रख रही हूँ। तो वो भी वो पढ़ेगा तो उसको अच्छा लगेगा, तो इसीलिए मैं उसको भी रख रही हूँ। और साथ में मीन्स जो मेन चीज़ है राखी, तो हम दोनों के लिए, मीन्स मेरे लिए और मेरे सिस्टर के लिए, जो मेरे भाई को मैं अभी बांधने वाली हूँ वो भी रखूँगी। और साथ में फूल और यहाँ पे थोड़ी सी मिठाई वगैरह रख चुकी हूँ। तो ये थी मेरी राखी की थाली, तो इस तरह की कुछ मैं सजाई हूँ। तो मीन्स बहुत फ्रिक्वेंटली मैं उसको बांध नहीं पाती हूँ, क्योंकि बाहर में रहती हूँ और पढ़ाई के टाइम में मैं बाहर ही रहती थी। तो मेरी सिस्टर तो मैं रहती थी, तो वो ही मीन्स मोस्टली उसको राखी बांधती थी। वो भी अभी घर पे नहीं है, वो भी चली गई थी, तो इसलिए मैं अभी थी। तो इसीलिए मुझे थोड़ी सी ऐसे लगा कि मैं मीन्स अभी प्री राखी थोड़ी सी मीन्स सेलिब्रेट करके जाऊं, क्योंकि राखी के दिन मैं घर पे नहीं रहूंगी, तो बैंगलोर में मीन्स चली जाऊंगी। तो बैंगलोर में मीन्स रुकूंगी उस टाइम, तो इसीलिए मैं राखी का दिन में उससे पहले थोड़ी सी मना देती हूं। तो इसीलिए मैं अभी राखी के लिए तो सारे प्रिपरेशन हो चुकी है और भाई भी आ चुकी है, तो अभी इवनिंग के टाइम में अभी राखी मीन्स बनवाऊंगी। तो यहाँ पे मैं दिया जला रही हूँ। तो राखी की थाली आपको कैसी लगी एक लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए उसके आगे आगे मैं कैसे क्या राखी सेलिब्रेट करूँगी, कैसे बनवाऊँगी, तो देखेंगे। और कैसे लग रही है मुझे ज़रूर एक फीडबैक दीजिएगा। तो बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने के लिए, तो आप फीडबैक देंगे तो थोड़ी सी मोटिवेशन लगेगी। तो इस तरह के आगे भी बहुत सारे वीडियो बनाऊंगी, तो आप भी एंजॉय कीजिएगा और आपके फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करेंगे तो वो भी थोड़ी एंजॉय कर लेंगे। तो चलिए अभी दिया तो मैं अभी लगा चुकी हूँ, तो आगे आगे क्या करती हूँ वो भी दिखाऊँगी। Thank you.
सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी राखी सेलिब्रेशन, तो जो कि प्री राखी सेलिब्रेशन में की थी। तो आपको कैसी लगी, एक लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताना, आपके फ्रेंड और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबा के रखिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे न्यू ब्लॉग आने वाली है, बहुत ही एक्साइटिंग ब्लॉग आने वाली है, तो उसको मिस मत कीजिए। तो स्टे ट्यून, स्टे कंटिन्यू विद माय चैनल पद्मिनी स्टूडियो। थैंक यू, बाय बाय।